हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल नो कॉलेज टेक पर। और आज हम बात करेंगे 6 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हंगेरियन ग्रांड प्री किसने जीती है? ऑप्शन ए है वाल्टेरी वोटास, बी मैक्स वर्स्टपन, सी लुइस हैमिल्टन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। तो चलिए आज के सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हाल ही में किसने धारा 370 को खत्म करने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया? इसका सही उत्तर क्या होगा? ए नरेंद्र मोदी, बे अमित शाह, से राजनाथ सिंह, दे इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बे अमित शाह। नंबर तीन क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर प्रौद्योगिकी एक्सपो का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए IIT कानपुर, बे IIT मुंबई, से IIT दिल्ली, दे इनमें से कोई नहीं। तो सही होगा IIT दिल्ली। नंबर चार क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ए HDFC बैंक, बे IDBI बैंक, से BOB, दे SBI। तो SBI बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नंबर पाँच क्वेश्चन, हाल ही में कांति भट्ट का निधन हुआ है, वे कौन थे? ए लेखक, बे गायक, से पत्रकार, दे इनमें से कोई नहीं। तो वे पत्रकार थे, से पत्रकार। नंबर छः क्वेश्चन, हाल ही में 8वीं RCEP बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ए चीन, बे जापान, से रूस, दे इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए चीन। चलिए चलते हैं नंबर सात क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने QRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? ए पोखरण, बे चांदीपुर, से श्रीहरिकोटा, दे इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बे चांदीपुर। नंबर आठ क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में इसरो ने SSANC की स्थापना कहाँ की है? ए मुंबई, बे नई दिल्ली, से बेंगलुरु, दे इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा से बेंगलुरु। नंबर नौ क्वेश्चन, हाल ही में विनेश बोगाट ने पोलैंड ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? ए रजत, बे स्वर्ण, से कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो बे स्वर्ण सही उत्तर होगा इसका। नंबर दस क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वल ही डिग्री योजना शुरू की है? ए राजस्थान, बे महाराष्ट्र, से गुजरात, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा से गुजरात। थैंक यू दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।